एंड थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़े पत्थर पार करे, थोड़ी चट्टान पार करी, मुझे दिखने लगी है मंजिल। एंड एक बार आना जरूर बनता है, दोस्तों के साथ आओ, एंजॉय करो, दौड़ा बोला करो मैडम। तो नहीं हो पाएंगे, सिर्फ एक हो पाएगा। ड्रोन उड़ाना तो भूल ही गए, आगे से देखते हैं। 5 मिनट भी नहीं चलोगे और ये ब्रिज आ जाएगा, दोनों तरफ पानी है। जब भी हैलिफैक्स में कोई घूमने की जगह सर्च करोगे तो जो पहला नाम आएगा वो होगा पैगीज को। एंड इसी चक्कर में मैं लगभग 6 से 7 बार वहाँ ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। आज मेरी इच्छा थी कोई ऐसी ही जगह जाने की जहाँ पर लाइट हाउस हो, समुद्र हो, बट डेफिनेटली पैगीज को नहीं जाना था। तो मैप में मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे एक एरिया मिला, एरिया का नाम है टेरेंस बे। जगह बहुत अंडररेटेड है, इतनी ज्यादा फोटोज नहीं है वहाँ पर अवेलेबल एंड जगह भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं लगी, बट सोचा चलते हैं उस जगह को अनकवर करते हैं। तो मैं अभी निकल चुका हूँ, अराउंड 40 किलोमीटर से बेडफोर्ड से एंड 40 मिनट्स का रास्ता है। लेट्स गो। तो टेरेंस पे आते ही जो फर्स्ट लुक ऑफ पॉइंट है वो है यहाँ की एंट्रेंस। एंड गाड़ी कहाँ पार्क करना है, इधर उधर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, ये जो पॉइंट है गाड़ी यहीं पर ही पार्क करना है। कुछ और भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर, टूरिस्ट या लोकल्स वॉट एवर, 2-3 गाड़ियां और खड़ी है, हम पहले गलत जगह चले गए थे, उस साइड मत जाना, वो प्राइवेट रोड है। एंड यहाँ पर जो जाने का रास्ता है, हाँ शायद वहां से, तो आ जाओ। ये देखो, ये टेरेंस बे लाइट हाउस जाने का रास्ता है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत कम लोग हैं, जिंदगी के 3 या 4 लोग दिखे अभी तक बस। एंड ये यहाँ का नजारा, गुस्से से इतना पीस है यहाँ पर, कोई फालतू की भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छा है, अंडररेटेड एक्चुअली, आना जरूर यहाँ पर। अब यहाँ से अंदर चलते हैं, अंदर चलने का वे देखते हैं, पक्का वे बना हुआ नहीं है जाने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ इसी चीज के लिए मैं यहाँ पर आया था, मुझे चाहिए था समुद्र, रॉक्स एंड अंदर है लाइट हाउस। एंड थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़े पत्थर पार करे, थोड़ी चट्टान पार करी, मुझे दिखने लगी है मंजिल, देखो वहां जाना है हमें। एंड अभी है हम यहाँ, वो जो पीछे दिख रहा है वो पैगीज को नहीं है, वो है टेरेंस बे लाइट हाउस। एंड आई एम श्योर आप यहां नहीं आए हो, बट आप जरूर आओगे। चलते हैं उसके पास, थोड़ा सा और चलना है, चलो। थोड़ा चल के यहाँ तक आ तो गए, पर सीनरी देखते हुए थोड़ी और भूख लग गई है। खाना पैगीस्को का छोटा भाई।
अराउंड 1873 में एक स्टीम शिप इस एरिया में एक एक्सीडेंट की वजह से डूब गया था। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अराउंड 1885 में इस लाइट हाउस को एस्टैब्लिश किया था, एंड इसको बनाने का मेन रीज़न था कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए नेविगेशन को सेफर करना। अगर यहाँ पर अच्छी टूरिस्ट आती है ना, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, यहाँ पर एक ठेला लगाना है बड़ा पाव का। यहाँ पे दोस्तों के साथ आना, पिकनिक मनाना यहाँ बैठ के, बहुत मस्त स्पॉट है। निकालो खाना, वहां से आए हम, वहां से ये पूरा रास्ता पार करके ये मिला है। इतनी सुंदर जगह हो और यहाँ पिकनिक नहीं बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। दो वड़ा पाव लगाना मैडम, दो नहीं हो पाएंगे, सिर्फ एक हो पाएगा, एक मेरा है। एंड यहाँ पर हमें मिल चुका है वड़ा पाव। बहुत ही अच्छा स्पॉट है, ये पूरा पार करके आना है। कुछ खाते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ये लाइट हाउस इतना फेमस नहीं है, ना ही आसपास की जगह इतनी डेवलप्ड है, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सुंदर जगह है, काफी पीसफुल, एंड एक बार आना जरूर बनता है। दोस्तों के साथ आओ, एंजॉय करो, एंड एज यूजुअल अगर रोड ट्रिप करना है 40 किलोमीटर है जरूर आना। एंड अभी मैंने कुछ लोग देखे वहां से आ रहे थे, मतलब वहां पर भी कुछ ट्रैकिंग का बना हुआ है, तो आसपास थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करना, मेन एरिया तो मैंने आपको करवा दिया है। फाइनली बाय बाय टू टेरेंस बे लाइट हाउस, निकलते हैं यहाँ से। ड्रोन उड़ाना तो भूल ही गए, आगे से देखते हैं। टेरेंस बे लाइट हाउस से अभी निकल गए, बहुत ही अमेजिंग व्यू था वहां पर, अच्छी प्लेस है, बट अभी घर जाने का मन नहीं है, तो एक और स्पॉट कवर करते हैं साथ में। जहां पर मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम मुझे भी नहीं पता, मैं आज से लगभग 1.5 साल पहले बहुत ही रैंडमली वहां पर पहुंच गया था, तो मैं बस वापस उसी स्पॉट को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इतना पता है कि वो कोल हार्बर में, तो थोड़ा सा ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो आपको भी उस जगह का नाम बताऊंगा एंड व्यू बताऊंगा। हैलीफैक्स में आप जब भी कोई ब्रिज क्रॉस करते हो तो आपको टोल देना पड़ता है, तो ये जो आप मैक पास पढ़ रहे हो ना, इट्स लाइक अ फास्ट टैग, आपको रुक करके अलग से कैश देने की जरूरत नहीं है और लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा ट्रेल है कोल हार्बर में, नाम है द ओल्ड लॉरेंस टाउन ट्रेल। हाँ, लगभग 1.5 साल पहले मैं बहुत रैंडमली यहाँ पर स्पॉट पर आ गया था, ज्यादा लंबा भी नहीं है पर आगे व्यू बहुत अच्छा है, तो ये ट्रेल पे चलते हैं, छोटा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। आ जाओ, अगर वॉक करना है नॉर्मली तो वॉक करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो, अच्छी प्लेस है। तो इस जगह की मैं बात कर रहा था, ओल्ड लॉरेंस टाउन ट्रेल है, 5 मिनट भी नहीं चलोगे और ये ब्रिज आ जाएगा, दोनों तरफ पानी है, डक्स वगैरह है और अच्छा खासा लंबा ट्रेल बना हुआ है, वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो यहाँ पर
आ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो और प्लेस दोनों अच्छे लगे होंगे। ये हैलिफैक्स सीरीज में हमारा सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो में हमने 3 प्लेसेस कवर करी थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाओ और क्लिक करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आई मेक श्योर मैं आपके लिए ऐसे व्लॉग्स लाता रहूं। फॉर नाउ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।